गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अनुराग मिश्रा आज आपके सामने फोर्थ सीरीज पे यानी चैप्टर 8 जिसका नाम लाइन ऑफ सेंटर्स के बारे में आप इसी पढ़ चुके हैं। हम लोग हमारा जो आज का टॉपिक है चैप्टर है हमारे में सऊदी अरब, उसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तो मैं आगे इसके बढ़ते हुए बताना चाहूंगा कि वहां के लोगों का जो जनजीवन है, वहां लोग जैसे रहते हैं वो बिल्कुल भी दुनिया के अब क्षेत्र से अलग होते हैं, क्योंकि आपको पता है सऊदी अरबिया एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे खूब गर्मी पड़ती है, गर्मी खूब ज्यादा मात्रा में पड़ती है, धूल भरी हवाएं चलती है वहां पे, रेतीला जगह होने की वजह से रेतीले तूफान होती है वहां पे, अक्सर चलती रहती है नॉर्मली। अब तो काफी डेवलप कर लिया उन देशों ने, जितने भी खाड़ी देश हैं या फिर कह सकते हैं ये जो देश है इस तरह के मुल्क जहाँ पे पेट्रोलियम खूब ज्यादा पाया जाता है, इन्होंने पेट्रोलियम के वजह से दुनिया दूसरे विकसित राष्ट्रों को पेट्रोल बेच बेच कर अपने आप को अच्छा विकसित बना लिया है। वहाँ पे अच्छे संसाधन हो चुके हैं, सड़कें बन चुकी हैं, मॉल्स बन चुके हैं, लोगों के पास अच्छी फैक्ट्रियाँ आ गई हैं, तरह तरह की लाइब्रेरी, हॉस्पिटल्स, और ये हमेशा ही कंटिन्यूस वहाँ बनते जा रहा है। जितने भी खाड़ी मुल्क हैं जो विकास कर रहे हैं उसका कारण भी यही है, क्योंकि विभिन्न देशों से वो लोग मैन रिसोर्स का इस्तेमाल करते हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, वो अपने वहाँ मंगाते हैं, हमारे वहाँ से काफ़ी ज़्यादा मैन रिसोर्स जाता है, वो वहाँ काम करता है स्किल लेबर के रूप में, और काम करके उस देश को अच्छा बना दिया गया है क्योंकि रिसोर्स के इस्तेमाल की वजह से, क्योंकि उनके पास खूब सारा पैसा और यह पैसा पेट्रोलियम की वजह से आता है। तो ऐसे में बात करें, बात करूँ मैं आपको सऊदी अरब के बारे में, तो सऊदी अरबिया एक ऐसा देश है जहाँ पर खूब सारा गर्मी पड़ती है, बहुत गर्मी पड़ती है, धूल भरी हवाएं चलती हैं, रेतीला पूरा रेगिस्तान जगह है, तो ऐसे में वहाँ रेतीले हवाएं चलती हैं, तो वहाँ के लोग पेट्रोलियम की वजह से राजा हुए हैं, तो ये पेट्रोल को बहुत ज़्यादा रैपिड ग्रोथ कराने में बहुत फायदेमंद है। ऐसे में वहाँ पे ट्रेडर्स हो, फैक्ट्रियाँ लगी हों, चाहे जो भी बने हों, उन्हीं की वजह से टावर्स, फैक्ट्रियाँ, मॉल, हॉस्पिटल्स, स्कूल, कॉलेज, सड़कें, ब्रिज, हर चीज़ जो वहाँ डेवलप हुई है वो पेट्रोल के पीछे पीछे पेट्रोल का बहुत बड़ा हाथ है। पीपल जो लोग गाँव में रहते हैं और काफ़ी सिंपल लाइफ है उनकी, वो आराम से जीप जीप का चलाते हैं, नॉर्मल काम करके भेड़ चलाते हैं, बकरियाँ पालते हैं, ऊँट पालते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं, हम लोग अपने जीवन नॉमेडिक लाइफ है, सिंपल लाइफ है, बहुत नॉर्मल जीवन जीते हैं। और ये जो नोमैड्स होते हैं इनको बेडुइंस भी वहाँ पर पाया जाता है, लॉन्ग ये सर पे बांधते हैं, आपने देखा होगा अगर जैसे उनमें सर पे ऐसे साफा बांधते हैं और सफ़ेद कलर का पहनते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, ये एक तरह सा अलग उनका पोशाक है, और लॉन्ग रोब होता है उसको अपने गुरु मतलब अपने साथ में लेके चलते हैं, कारवां होता है पूरा उनका एक झुंड होता है जिसमें बहुत सारे ऊँट होते हैं, बहुत सारे जानवर होते हैं, अपने साथ लेके चलते हैं, जीवन उनका बिल्कुल नोमैडिक तरीके से जीवन जीते हैं। अरब मेन की बात करें तो नॉर्मली वो लोग पहनते हैं सफ़ेद कलर का एक पूरा पोशाक होता है, सर पे वो साफा बांधते हैं, लूज फिटिंग कपड़ा पहनते हैं, क्योंकि वहाँ पे गर्मी खूब ज़्यादा पड़ती है, इसी वजह से वो नॉर्मली ऐसे कपड़े पहनते हैं, कॉटन कपड़ा होता है जो सर पे बांधते हैं वो लोग गर्मी ज़्यादा पड़ने के कारण से। और पीपल जो लोग शहरों में रहते हैं वो मॉडर्नाइज तरीके से आउटफिट पहनते हैं, मतलब उसको वीमेंस को अबा कहते हैं और मेंस को जो पहनते हैं भाग करते हैं। इंडस्ट्रीज की बात करें सऊदी अरबिया की, तो इंडस्ट्री में वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग पेट्रोलियम जो है दुनिया का सऊदी अरबिया एक खाड़ी देश माना जाता है, और मिनी पेट्रोलियम की खाड़ी देश यहाँ पर पाए जाते हैं, सेटअप है यहाँ पे, फैक्ट्रियाँ बनी हुई हैं, इंडस्ट्रीज बने हुए हैं जो पेट्रोलियम को रिफाइन करती हैं, पेट्रोल को बेचती हैं, ऑलमोस्ट सभी पेट्रोलियम यहाँ पाए जाते हैं। और भी इंडस्ट्री बात करें तो सीमेंट, पेट्रोकेमिकल्स, आयरन, स्टील, फर्टिलाइजर्स और भी सारी इंडस्ट्रीज जो यहाँ पे पाए जाते हैं काफ़ी अच्छी मात्रा में, या उनकी एक खासियत है उनके जो भी यहाँ पे फैक्ट्रियाँ खूब सारे डेवलप हैं, और इसी वजह से लोगों को रोजगार खूब मिलता है वहाँ पे, कोई ऐसी समस्या नहीं है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे छोटे छोटे भी काम मिलते हैं वहाँ पे, टेक्सटाइल के, लेदर के, सॉफ्ट के, हैंडीक्राफ्ट के, यहाँ के लोग छोटे मोटे काम भी करते हैं जिनकी वजह से उनका रोजगार चलता रहता है। कुछ इंपॉर्टेंट सिटी की बात करूँ मैं तो वहाँ का जो कैपिटल है जो वेल शहर माना जाता है वो रियाद है, कैपिटल सिटी भी वहाँ का, मॉडर्न टाउन है, काफ़ी अच्छा सुंदर है, ब्यूटीफुल पार्क्स हैं वहाँ पे, मार्केट है, स्कूल है, कॉलेज, हॉस्पिटल्स है, ए रोड फैसिलिटीज़ हैं बढ़िया, आपको देखने को सब कुछ वहाँ मिल सकता है, काफ़ी घूमने की अच्छी अच्छी जगह है वहाँ पर, पेटेलाइट्स बिल्डिंग्स हैं, एयर कंडीशन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, सारी सुंदर जगह है। और कॉमर्शियल सिटी की बात करें तो जेदा एक शहर है,
कॉमर्शियल सिटी है, बिजी सी पोर्ट वहाँ का माना जाता है। जो सी पोर्ट है, समुद्र तट का जो इलाका है वो काफ़ी बिजी है, बहुत दूर दूर से जहाज़ें वहाँ पर आती हैं, वहाँ से फिर जाती हैं, और ये जहाज कॉमर्शियल रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला वस्तुओं के लिए किया जाता है। और ऐसी बात करूँ तो पीपल वर्ल्ड फ्रॉम पूरी दुनिया से लोग वहाँ पर घूमने भी आते हैं, सिर्फ काम करने नहीं। और मुस्लिम समुदाय की बात करें तो मक्का मदीना वहाँ का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। जो लोग मक्का मदीना में हज करने जाते हैं उसके लिए वो भी शहर बहुत प्रसिद्ध शहर है, दुनिया के दुनिया भर से लोग वहाँ पर घूमने आते हैं और इबादत करते हैं वहाँ पे। साथ ही साथ पूरा एक रिच प्रॉस्परस शहर है, वो देश है जहाँ पे दुनिया भर से जो देश हैं वो पेट्रोलियम खरीदते हैं, और इस पेट्रोलियम खरीदने की वजह से यह देश या मुल्क अपने आप में समृद्धशाली है, धनी है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से जो आपको जानकारी दी गई है वो काफ़ी लाभदायक होगी, आपको समझ में आया होगा। आशा विश्वास है आप स्वस्थ होंगे, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना पूरा ध्यान रखिए।